इस फोन को आप बिना हाथ लगाए भी चला सकते हैं। Realme Narzo सीरीज यूथ टारगेटेड फोन्स है जिनमें कंपनी कंपेटिटिव प्राइस में ज्यादा फीचर्स और बेहतर स्पेसिफिकेशंस का दावा करती है। दिस इज द Realme Narzo 70 Pro एंड क्या ये फोन उस दावे पे खरा उतरता है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस क्विक रिव्यू। स्टार्ट करते हैं इसके 20,000 रुपए के प्राइस टैग से। इस कीमत में आपको यहाँ पे ड्यूअल टेक्सचर फिनिश में ग्लास बैक मिल रही है, उसके साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप और डायमेंसिटी 7050 जैसा केपेबल चिप। नाउ ऑन टू द डिजाइन फ्रंट, यहाँ पे जो आपको मैट साइड दिख रहा है ये काफी स्लिपरी है और जो ग्लॉस साइड है दिस इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, लेकिन कैमराज एकदम सही जगह पे हैं तो रियर कैमरा बम्प से आप इस फोन को आराम से होल्ड कर सकते हैं। नाउ अदर देन दैट, ऑन द डाउन साइड इस फोन के जो एजेस हैं वो काफी रफ हैं, आप ऑलमोस्ट रफनेस फील कर सकते हैं जब आप अपने फिंगर इन एजेस के अगेंस्ट दौड़ाएंगे। बट वेट टिल यू चेक आउट द कैमराज ऑन द बैक, दीज आर सच गुड कैमराज कि एक बार को शायद आप इसकी डिजाइन की रफनेस भी माफ कर दें। द मेन 50 megapixel शूटर इज अ सोनी फ्लैगशिप सेंसर एंड उससे आपको बहुत ही क्रिस्प क्लियर इमेजेस मिलेंगे जिनमें HDR, कलर रिटेंशन और डिटेल तीनों ही काफी बढ़िया हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, फोकसिंग काफ़ी फास्ट है लेकिन थोड़ा सा वार्पिंग का इशू यहाँ पे है। एंड द मैक्रो कैमरा कैन गेट यू रियली गुड इमेजेस, वॉलपेपर वर्दी फ्लावर इमेजेस इफ़ यू गिव इट इनफ लाइट। हाँ, लेकिन फ्रंट कैमरा में आप लोगों को इश्यूज ज़रूर नोटिस होंगे। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमारी टेस्टिंग में सब्जेक्ट के कान ब्लर कर दिए थे इसके पोर्ट्रेट मोड ने एंड कई बार बैकग्राउंड प्रॉपरली डिफ्यूज भी नहीं कर पा रहा है। सो बॉटम लाइन, इस फोन के कैमरा से आप बहुत सारे अच्छे इमेजेस और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं एंड जब आप उन्हें प्रीव्यू करने जाएंगे तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला AMOLED पैनल ऑलरेडी मौजूद है। अब इस पैनल की जो खास बात है वो ये कि इसमें 2000 nits की लोकल पीक ब्राइटनेस है, मतलब आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट यूजेज इज वेरी इजी ऑन द स्क्रीन। बट दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट पार्ट इज द एयर जेस्टर्स। बिना हाथ लगाए आप पूरे फोन को सिर्फ अपने हाथों के जेस्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पूरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी टेक्लूसिव की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों पे मौजूद है, सो मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट वंस। अब आ जाते हैं इस फोन के डायमेंसिटी 7050 चिप के साथ मिलने वाली परफॉर्मेंस पे। Asphalt 9, BGMI, Angry Birds 2, जो भी गेम्स आप सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे स्मूथली रन कर जाता है। बट आधे एक घंटे के गेमिंग सेशन, कंटिन्यूस गेमिंग के बाद आपको लगेगा ये फोन थोड़ा सा हीट अप हो रहा है और यहाँ पे 10-12% का बैटरी ड्रेन भी आपको देखने को मिलेगा, विच इज नॉर्मल एट दिस प्राइस एंड दिस चिप पावर। बट अब बैटरी की बात हो ही गई है तो लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ एंड कैपेसिटी ऑन दिस फोन। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 67 वॉट का सुपर वूक चार्जिंग एंड Realme के बैकएंड ऑप्टिमाइजेशंस, इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद में Realme Narzo 70 Pro से आपको आराम से एक दिन का पूरा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब आपने इस फोन को चार्ज करना हो तो उसके लिए भी आपको 45 से 50 मिनट का ही टाइम लगेगा एंड दिस विल बी बैक टू 100% चार्ज। सो शुड यू बाय द Narzo 70 Pro, लेट्स हैव अ लुक इन द टेक्लूसिव टेक स्टाइल। अगर आप एयर जेस्टर जैसे कूल फीचर को साइड पे भी रख दें, यू स्टिल हैव रियली गुड कैमराज, अ पावरफुल चिप, 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग। बट ऑन द डाउन साइड इसका जो सेल्फी कैमरा है वो ऑलमोस्ट एवरेज है एंड बोथ द एयर जेस्टर्स एंड द रफ एजेस ऑन दिस फोन नीड अ लॉट मोर स्मूदनेस। सो ऑन दैट नोट, वी थिंक हमने आपके इस फोन से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस रिव्यू में दे दिए हैं। अगर फिर भी कुछ पेंडिंग रह गया हो तो मेक श्योर यू ड्रॉप अस अ कमेंट एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। माय नेम इज मानिक बेरी, यू आर वॉचिंग टेक्लूसिव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।